Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के ब्लॉग में कुछ किड्स के टिफिन बॉक्स रेसिपीज शेयर करूंगी। ये रेसिपीज होगी क्विक, इजी और हेल्दी। ऑयल गर्म होने के बाद ऐड किया है ऑनियन। ऑनियन को 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको भी थोड़ा सॉटे करके टोमेटो पेस्ट और सॉल्ट ऐड करके टोमेटो को 2-3 मिनट्स के लिए कुक कर लूँगी। अभी ऐड कर रही हूँ ग्रीन पीस, स्वीट कॉर्न, बॉयल पोटैटो। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रोजन पीस और स्वीट कॉर्न बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। ऐड किया है 3 स्पून्स पनीर। पनीर को आप स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी ऐड किया है, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है। लास्ट में ऐड किया है टोमेटो सॉस। मैंने लिया है होल व्हीट बर्गर, इसको बीच में से काट करके एक साइड में बटर और दूसरे साइड में थोड़ा सा टोमेटो सॉस अप्लाई कर लिया है। अभी एक साइड में ये स्टफिंग ऐड कर लेंगे अच्छे से। बच्चों के लिए है तो थोड़ा सा चीज भी ऐड कर रही हूँ। बर्गर को अभी तावा में थोड़ा सा बटर ऐड करके सेक लेना है। बच्चों को ये बर्गर बहुत पसंद आते हैं। बर्गर बन होल व्हीट है और स्टफिंग में है ढेर सारे वेजेस। बच्चों को जब पराठा बना के देते हैं उनके लिए बोरिंग हो जाता है, बट उसी पराठा को थोड़ा ट्विस्ट के साथ दे दो, बच्चे हैप्पी हो जाते हैं। आज की रेसिपी के लिए लिया है पनीर और इस बाउल में मेयोनीज और टोमेटो सॉस के एक ड्रेसिंग बना लिया है। कैरेट को जब एकदम पतला कट करना होता है तब मैं ऐसे कट कर लेती हूँ। जल्दी से बना लेते हैं एक पराठा। अब पराठा को बीच में से थोड़ा कट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में टोमेटो मेयो ड्रेसिंग, नेक्स्ट में थोड़ा पनीर, अभी थोड़ा कैरेट, और लास्ट में थोड़ा सा चीज। इसको अभी तावा में बटर देकर दोनों साइड से सेक लूंगी। अभी इसको बीच में से कट कर लिया है, जिससे आदित्य को स्कूल में इसको खाने में इजी होगा। इन पनीर पराठा ट्रायंगल्स के साथ आज दे रही हूँ होममेड जेगरी मखाना। ऐसे कुछ हेल्दी स्नैक्स पूरे वीक के लिए रेडी करके रखने से टिफिन देने के लिए बहुत इजी हो जाती है। और साथ में दिया है थोड़ा फ्रूट्स। टिफिन के लिए कुछ प्रिपरेशन प्रीवियस डे रात को ही करके रख देती हूँ, जिससे मॉर्निंग बहुत जल्दी टिफिन रेडी हो जाती है और मुझे इस वजह से ही मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के लिए भी टाइम मिल जाती है। आज बनाएंगे तावा पुलाव। इसके लिए पनीर क्यूब्स को कट करके इसमें थोड़ा चिली फ्लेक्स और सॉल्ट ऐड करके फ्राई कर लेंगे।
ऑयल में ऐड किया है गार्लिक और ऑनियन, इनको जस्ट 1 मिनट के लिए सोटे कर लूँगी। टोमेटो, सॉल्ट, हल्दी, भेजीज और पाव भाजी मसाला ऐड करके इनको कुक होने देना है 2 मिनट्स के लिए। के बाद ऐड किया है ग्रीन पीस और स्वीट कॉर्न। अभी कुक्ड राइस ऐड करके सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बस हो गया क्विक तवा पुलाव रेडी। आड्रिड को राइस बहुत पसंद है, वीकली टिफिन में एक बार तो उसको राइस देना ही है। फ्राई किया हुआ पनीर को मैं ऊपर ऐड कर रही हूँ, आप पुलाव में मिक्स करके भी दे सकते हैं। साथ में लिया है चिया सीड्स रायता और जैगरी मखाना। स्कूल से जब टिफिन बॉक्स खाली आता है कितना अच्छा लगता है ना। आज के रेसिपी भी किड्स को बहुत पसंद आएंगे, इसमें है बहुत सारे प्रोटीन। ऑयल में ऐड किया है गार्लिक और ऑनियन, इनको जस्ट 1 मिनट के लिए सोटे कर लूँगी। ऐड कर रही हूँ बेल पेपर, स्वीट कॉर्न और थोड़े मसाले। मसाला आप अपने पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हो। इनको कुछ सेकंड के लिए सोटे कर लेना है। अभी ऐड कर रही हूँ बॉयल पोटैटो, पनीर और बॉयल राजमा। 1 स्पून टोमेटो सॉस ऐड किया है, इससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छी आती है। लास्ट में ऐड किया है कोरिएंडर लीव और सॉल्ट। सबको मिक्स करके अभी मैश कर लेना है। एक पराठा बना लिया है, इस पे टोमेटो मेयो ड्रेसिंग अप्लाई कर लिया है। बीच में स्टफिंग ऐड करके ऊपर थोड़ा चीज ऐड कर रही हूँ। आज साथ में दे रही हूँ थोड़े फ्रूट्स। फ्रूट्स में सीड्स रहने से मैं इनको निकाल के ही टिफिन में देती हूँ। और दिया है होममेड होल व्हीट वॉलनट केक। इस केक की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। और लास्ट में ऐड किया है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। आड्रिड को मीठा बहुत पसंद है, सो आज फ्राइडे स्पेशल चॉकलेट सैंडविच बना रही हूँ। ब्रेड को साइड से कट कर लेना है। इस ब्रेड स्लाइस में ऐड किया है चॉकलेट और दूसरे स्लाइस में थोड़ा सा मिक्स फ्रूट जैम, थोड़ा ऐड किया है चीज। बस अभी ग्रिल्ड तवा में थोड़ा सा बटर ऐड करके इसको टोस्ट कर लेना है दोनों साइड से। हो गया चॉकलेट सैंडविच रेडी। सैंडविच स्वीट है, सो साथ में आज दे रही हूँ कॉर्न क्यूकम्बर सैलड और रोस्टेड सॉल्टी मखाना। आज के इन 5 टिफिन बॉक्स रेसिपीज को आप अपने किड्स के टिफिन में देना, और किड्स को ये पसंद आया कि नहीं मुझे कमेंट करके बाद में बताना।
न्यू ब्लॉग के साथ फिर मिलूंगी। आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।